डांसिंग कॉप के नाम से मशहूर इंदौर के ट्रैफिक पुलिसकर्मी रंजीत सिंह मंगलवार को ग्वालियर में थे, जहां उन्होंने अपने खास अंदाज में ट्रैफिक संभाला। इस दौरान जब उन्होंने डांसिंग मूव से ट्रैफिक कंट्रोल करना शुरू किया तो वाहनों के पहिए थम गए और लोग उनका वीडियो बनाने लगे। दरअसल डांसिंग कॉप रंजीत सिंह स्थानीय जवानों को एक दिन की ट्रैफिक ट्रेनिंग देने पहुंचे थे। यहां उन्होंने वीआईपी रोड पर तानसेन होटल तिराहा पर आधे घंटे तक डांस करते हुए ट्रैफिक व्यवस्था संभाली। उनके डांसिंग मूव देखकर लोग हैरान रह गए। लोगों ने उनसे हाथ मिलाया, उनके साथ फोटो भी ली। डांसिंग कॉप रंजीत सिंह ने ट्रैफिक सिग्नल पर लोगों को अवेयर किया। उनका कहना है कि ग्वालियर जिले में एक्सीडेंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस साल ग्वालियर में जनवरी से सितंबर तक 9 महीने में 1539 सड़क हादसे हुए हैं। इनमें से 222 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1400 लोग घायल हुए हैं। आंकड़े रोड एक्सीडेंट रोकने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा तैयार किए गए डेटाबेस के आधार पर हैं। रंजीत सिंह ने कहा है कि उनका मकसद है कि सड़क हादसे में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जाए। लोगों को चाहिए कि वह ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, हेलमेट पहने, क्योंकि आप अपने घर के हीरो हैं। घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें और स्वस्थ रहें। वह कहते हैं कि अच्छा लगता है, लेकिन यह ट्रैफिक सुधार के लिए है। इसके लिए वह खुद को फिट रखते हैं। वर्तमान में ग्वालियर में रजिस्टर्ड दो पहिया वाहन 5,93,869 हैं, जबकि चार पहिया वाहन 1,11,405 है। साल के अंत तक इनमें और वृद्धि संभव है। खास है कि वाहनों की संख्या के आधार पर ट्रैफिक पुलिस के पास बल कम है। इन कारणों से ही चालानी की रफ्तार भी घटती जा रही है। पिछले 9 महीने में सिर्फ 37,224 लोगों के चालान पुलिस कर सकी है। डीएसपी ट्रैफिक नरेश बाबू अन्नौटिया का कहना है कि अधिकतर हादसे उन क्षेत्रों में हुए हैं जहाँ ट्रैफिक की रफ्तार तेज है और सड़कें चौड़ी हैं। शहरी क्षेत्र और मुख्य मार्ग से जो थाने दूर हैं, वहां ऐसी घटनाएं कम हुई हैं। शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा 115 एक्सीडेंट गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में हुए हैं। इनमें भी अधिकतर हादसों के पीछे तेज रफ्तार ही कारण रहा है। दूसरी तरफ जिले के भंवरपुरा थाना ही ऐसा है जहां इस अवधि में कोई हादसा दर्ज नहीं हुआ। कारण यह थाना मुख्य सड़क से अंदर ग्रामीण क्षेत्र में है। यहां वाहनों की आवाजाही अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है। ग्वालियर की सड़कों पर भी ऐसे कॉप होने चाहिए। माने पॉजिटिव वाइब्स आना बहुत जरूरी है। अगर पॉजिटिव वाइब्स नहीं आएगी तो कुछ भी सुधारना बड़ा मुश्किल काम है। जनता को लेकर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे अच्छा लगा, आज मैंने 30-35 पुलिस कर्मियों से बात करी, उन्होंने ये भी बोला कि आप फिट रहिए, अपने फिटनेस पर बहुत ध्यान रखिए, योगा करिए, जिम जाइए, ताकि आप लॉन्ग टाइम तक अपने देश की सेवा कर पाएं।